आप एक किसान परिवार से हैं आप देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं आज भी हमने देखा कि आप सरकार के के फार्म बिल खिलाफ अभी भी एक माहौल है आ, काफी किसान संघ संगठन मजदूर संघ संगठन इससे नाराज हैं पंजाब और हरियाणा के बीच आज हमने एक द्वंद देखा तो आप इसको कैसे लेते हैं और किसानों को इस देश के आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कुछ सरकार को भी रिवाइज करने की आवश्यकता है अपने अप्रोच को वैसे तो मैं देश के कई किसान संगठनों से यहाँ बातचीत की है और इस तो तो हमारी बातचीत हो रही थी तो इस देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हमारे साथ उस समय मौजूद थे इसी हमारे यहाँ पर बैठकर मैं बोल रहा हूँ यहीं पर वह बैठक मैंने उनके साथ की है और कृषि संबंधित जो ये बिल लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बने मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी तीन चार पांच वर्षों के अंदर ही इसके परिणाम देश के किसानों को देखने को मिलेंगे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूं छोटे किसान जिनके पास छोटी होल्डिंग्स हैं लैंड की ऐसे किसानों को बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है शायद हमारे कुछ मित्रों को यह बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपने देखा कि केवल कुछ जिलों तक यह आंदोलन सीमित है लेकिन जो लाभ होने वाला है शायद इसकी कल्पना उनको नहीं है मैं तो उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो आंदोलन समाप्त करें आए बैठकर हम क्लास बाई क्लास डिस्कशन करेंगे वह कहते हैं कि अब इस बिल के कारण मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी मैं विश्वास के साथ कहता हूं क्योंकि हर क्लास को मैंने पढ़ा है इस एक्ट के कारण जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यह एक्ट है इसके कारण मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो फूड ग्रेन परचेज किए जाने का यहां तक प्रश्न है जैसे चल रहा था वैसे चलेगा बल्कि पहले से कहीं अधिक एमएसपी के द्वारा खरीद का सिलसिला जारी रहेगा मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपने कृपया अपना आंदोलन समाप्त करें मैं उनसे बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं और मैं तो डिफेंस मिनिस्टर हूं लेकिन मैं तो किसान का बेटा होने के नाते एक किसान होने के नाते मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उनसे बातचीत करने को तैयार किसानों को हम धोखा नहीं दे सकते हमने पहले भी देखा था कि किसान आंदोलन जब हुआ था सरकार की तरफ से आपने बात की थी तो हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप के मार्फत आज आप किसान संगठनों को एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि आपके घर आके आपके कार्यालय आके आपसे खुल के बात कर सकेंगे घर क्या मैं तो किसान हूं और जो वह किसान हमारे परिवार के हैं हम एक ही पेशे के हम लोग हैं वह किसान कहेंगे कि राजनाथ सिंह यहां आकर आप बात बात करो हम उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार है लेकिन जब हमारे यहां आएंगे तो मैं उनका मैं स्वागत करूंगा कुछ आ, आ, हम, आ, पेश, आ, हम पेशा हैं हम लोग